वाटरशेड इज बेसिकली ए बॉडी ऑफ वाट लैंड, कोई भी लैंड एरिया हो जहाँ से दरिया बहता है, जहाँ से दरिया का पानी आता है. फॉर एग्जाम्पल जहलिम रिवर, इसका पानी कहाँ से आता है? वेरीनाग से. तो वेरीनाग एरिया इसका वाटरशेड हो गया, क्योंकि वेरीनाग साइड में जितने भी ग्लेशियर्स है, जितनी भी रेनफॉल होती है, वो सारा जो है दरिया जहलिम में आके फिर नीचे डाउन स्ट्रीम एरिया में जाता है, डल लेक में जाता है, उलर में जाता है. तो इसका वाटरशेड हुआ. बेसिकली जो वाटरशेड में है, तीन कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है कैचमेंट एरिया, एक होता है कमांड एरिया. दो कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स. कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी आता है, और कैचमेंट एरिया जहाँ से पानी जहाँ पानी जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर इकोलॉजिकल फ्लो, फॉर इरिगेशन, जितने भी यूजेस है वाटर के, वो कैचमेंट एरिया में, ये कमांड एरिया में होते हैं. तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्सर अपने जो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, जो पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, तो जो रिवर बॉडीज है उसको मैनेज करने के लिए. अब ये जो वाटर वाटरशेड है बेसिकली, जहाँ से छोटी छोटी स्ट्रीम्स, बड़ी स्ट्रीम्स बनती है पहाड़ियों से होके, फिर नीचे प्लेन्स में जाके दरिया की शक्ल इख्तियार करते हैं, और उसके बाद लेक्स वगैरह में चली जाती है. अब ये खाली एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट नहीं है, इस पे बहुत सारी जो है चीज़ें डिपेंडेंट होती है. देखो, किसी भी एडजेसेंट एरिया में जहाँ पे पानी होता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल कंपोनेंट कैसे हो. फॉर एग्जांपल सोशल की, उस पर किस टाइप के जो ग्रुप्स है वो डिपेंडेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर दरिया के आसपास है तो वहाँ पे जो फिशरमैन ज़्यादा रहते हैं. पॉलिटिकल, जब दो कंट्रीज या दो स्टेट्स, जब हमने कल जो वाटर कन्फ्लिक्ट्स के बारे में देखा, उसमें जैसे पॉलिटिकली एक दो स्टेट्स में एक वाटरशेड शेयर होता है, दोनों जो है कंट्रीज में या दोनों स्टेट्स में वाटरशेड सेम होता है, तो उसका जो पानी का शेयरिंग का प्रॉब्लम होता है. एंड देन इकोलॉजिकल, जो ओवरऑल जो इकोलॉजिकल एंटिटीज है, जो प्लांट्स है एंड वाइल्ड एनिमल्स है, उसको सपोर्ट करता है. तो इसको पूरा मेंटेन करने की ज़रूरत है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. जो हमारी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ में या फॉरेस्ट्स में या कैचमेंट एरिया में पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, या वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो सफ़र हो रहे हैं. तो इन्हीं वाटर रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करने के लिए एक ग्राउंड लेवल या एक सोर्स लेवल जो है इम्प्लीमेंट सोर्स लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम ये जो वाटर बॉडीज़ है जो ऊपर से आती है इनको मैनेज करते हैं, जिसको वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं. अभी डिपेंड करता है कि एक वाटरशेड का क्या टेरेन होगा, स्लोपी होगा, फ्लैट होगा, तो उसी टाइप के जो है अमेंडमेंट्स होंगे. जैसे पिछली क्लास में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े, वो जितने भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमने पढ़े, जैसे बेंच टेरेसिंग हो, वादी सिस्टम हो, ऑफ वादी सिस्टम हो, वो सारे यहाँ पे वाटरशेड जो है मैक्रो लेवल पे जो हमने जो देखे है कि क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे, तो वो पूरे वाटरशेड मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, फॉरेस्ट कवर कम हो गया, तो जो ऊपर का पानी आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, चाहे वो स्नोफॉल है उसके बाद वो मेल्ट हुआ है, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, या डायरेक्टली रेनफॉल की वजह से नीचे आता है, तो उसका जो स्पीड है कैसे हम कम करें ताकि वो मैक्सिमम पोर्शन जो वाटर है रिटेन हो जाए सॉयल में, ग्राउंड वाटर में, और जो सॉयल इरोजन है वो भी डिक्रीज हो जाए, सॉयल इरोजन कम हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, अपर रीचेज में फॉरेस्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से है जो सॉयल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. फिर बेड्स वगैरह बनाते हैं, कंटूर्स बनाते हैं, बेंच टेरेसेस बनाते हैं, पॉट होल्स बनाते हैं, जिससे वाटर रिटेन होता है. तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है. आप भी जाओ किसी एरिया में, गांव वगैरह में ना, जहाँ से कोई भी वाटर स्ट्रीम बहती है, तो वहाँ पे रॉक डैम्स बने होंगे, थोड़ा सा एक जहाँ पे पानी ठहरता है, जिसकी वजह से पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है, या ऊपर से पानी आता तो वो स्टोन के बेड्स बने होते हैं जो जाली में रखते हैं.
तो उसकी वजह से भी पानी रिटेन होता है। तो ये होता है एक वाटर का जो है मैक्सिमम रिचार्ज कैसे हम करें, ड्रेनेज वगैरह मेंटेन करना, उसका रन ऑफ मेंटेन करना, फिर वाटर क्वालिटी डिपेंड करता है कि वहाँ पे पोल्यूशन कितना है, तो उस पोल्यूशन को भी कम करना, ये भी वाटरशेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये मैं प्रोवाइड करूँगा नोट्स वगैरह, शायद मैंने किया है, शेड्यूल में रखे हैं, गूगल क्लास में आपको पहुँच जाएंगे टाइम टू टाइम। तो इसमें अब वाटरशेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एजेंसीज काम करती है, ये नहीं खाली एनवायरमेंटलिस्ट्स काम करेंगी उसमें, जैसे लोकल रेवेन्यू ऑफिस से भी काम करेंगे, वाटर एक्सपर्ट्स भी काम करेंगे, डिफरेंट जो लॉ एजेंसीज होंगे वो भी काम करेंगे, एंड उसके बाद साइंटिस्ट्स वगैरह और डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ओवरऑल जो फिनेंशियली इम्प्लीमेंट करना है कोई भी, देखो कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए पहले एक्सपर्ट एडवाइस ली जाती है। फॉर एग्जांपल किसी जगह प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिंग बॉडीज होती है, तो फाइनेंशियली उसको फिर रिलीज करते हैं पैसा वैसा, तो उसके बाद वो फाइनली इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑन ग्राउंड। तो इसमें डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, सबसे जो है सबका सब स्टेक होल्डर से राय ली जाती है कि कैसे क्या इम्प्लीमेंट करें। तो एक टिपिकल वाटरशेड जो एरिया है, बेसिकली एक एरिया को हमने जो है डेलिनिएट किया, डेलिनिएट मीन्स उसको जो है हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें जो वाटर स्ट्रीम्स है ऐसे बहती है जैसे पानी बहता है, तो जैसे एक लीफ है जिसमें बहुत सारी वेन्स होती है वैसे इसमें भी होती है। एक नॉर्मली स्टार्ट होता है वाटरशेड, तो ये बाउंड्री होती है वाटरशेड की, फिर ड्रेनेज चैनल्स जो छोटी छोटी नदी नाले होते हैं ये वही है, तो कॉमन आउटलेट जहाँ से पानी फिर निकलता है। तो एक वाटरशेड दूसरे वाटरशेड में फिर कंटिन्यू होता है, ये नहीं कि एक वाटरशेड बन गया वहाँ से पानी निकल गया, ये किसी दूसरे वाटरशेड के लिए एक स्टार्ट हो जाए होता है बड़े वाटर लेवल पे। अब इस वाटरशेड को कैसे हम जो है मेंटेन करें, इसको इसकी क्वालिटी और इसका जो है पूरा जो है नेचुरल वाटरशेड में कॉमन जो आउटलेट होता है ये किसी और वाटरशेड के लिए इनलेट हो सकता है, ये कॉमन आउटलेट जहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है, ये कंटिन्यू में होता है। एक बड़े वाटरशेड में माइक्रो वाटरशेड्स होते हैं, तो अब इस वाटरशेड को पूरा मेंटेन करने के लिए इसकी जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी, क्वांटिटी, सस्टेनेबल यूज़ कैसे हम करें, इसमें कुछ पॉइंट्स है। जैसे फर्स्ट जो है पहली हमें डेलिनिएट करना है, पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है एक वाटरशेड, उसमें बाउंड्रीज वगैरह हमें इमेजिनरी बाउंड्रीज बेसिकली गूगल मैप्स पे होता है पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं गूगल मैप्स पे या कोई भी मैप यूज़ करते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें बाउंड्री क्या क्या है, फिर स्मॉल ड्रेनेजेस, ड्रेनेज मीन्स स्मॉल वाटर चैनल्स आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद ये एक मैप हो गया, सेकंड मैप हम प्रिपेयर करते हैं इन्वेंट्री एंड मैप ऑफ रिसोर्सेस, किस किस टाइप के रिसोर्सेस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है तो किस टाइप के फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्सेस किस टाइप के हैं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है मतलब किस टाइप के लोग रहते हैं, देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, ये एक मैप हो गया। तो ये जो मैप है इस पे हम ये जो है ये मैप को जो है माउंट करते हैं, बेसिकली अगर ट्रेस पेपर आप देखोगे, ट्रेस पेपर पे दूसरा ट्रेस पेपर हम डालते हैं तो कॉमन पिक्चर देता है हमें। तो थर्ड मैप में हम क्या करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड ड्रेनेजेस, जो ह्यूमंस भी जो कैनाल्स वगैरह बनाते हैं तो नेचुरल एंड ड्रेनेजेस कैसी है और जो ह्यूमन मेड ड्रेनेजेस वो कैसी है, तो ये भी हम ओवरलैप करते हैं इस पे तीनों मैप। तो फिर उसके बाद लैंड यूज़ कैसा है, किस में जैसे अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है, फॉरेस्ट में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, तो ये लैंड कवर जो है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सॉइल टाइप्स, किसकी किस किन किन टाइप्स की सॉइल्स है वहाँ पे, बेसिकली बहुत सारे टाइप्स है सॉइल्स के, जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सॉइल्स के 11 ऑर्डर्स है, अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, बहुत सारे टाइप्स के सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रन कंटेंट क्या है, उनका ऑरिजन क्या है, तो हम सॉइल टाइप्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद इरोजन किस टाइप का है, बेसिकली ये यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, इरोजन है तो स्ट्रीम बैंक्स मतलब जहाँ से नदी बहते हैं वहाँ पे किस टाइप का इरोजन है, कंस्ट्रक्शन साइट्स किस टाइप की है, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी है,
और ये बेस लाइन, बेसिकली बेस लाइन होता है जब कोई भी वहाँ पे एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी से ही जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है या वाटरशेड डिस्टर्ब होता है, उसमें क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ वाटर जो है वो डिग्रेड होती है। तो हम पहले वाटर क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते थे, बेस लेवल पर क्या वाटर क्वालिटी है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं पोल्यूशन सोर्सेस, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। पॉइंट सोर्स वो सोर्स होता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल किसी पाइप से गंदा पानी निकल रहा है, ये पॉइंट सोर्स हो गया, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स, जैसे रन ऑफ, किसी जो है ज़मीन से, एग्रीकल्चर से कोई जो है पानी बह रहा है, तो उसको हम, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर नहीं आता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पोल्यूट करते हैं वाटर को, तो ये होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो हम उसके बाद बता सकते हैं कि एक वाटरशेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज़ है जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एरिया में सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो है स्पीड ऑफ वाटर को डिक्रीज़ करने के लिए जो भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े पिछली क्लास में, वो हम बना सकते हैं, जिससे हम स्पीड ऑफ वाटर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे अगर हमारे पास पॉइंट सोर्सेज है, पॉल्यूशन है, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं बाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या जो अदर जो है उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जो नॉन पॉइंट सोर्सेज है जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, उसको डिफरेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज से हम डिक्रीज, उसका जो लेवल डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है वाटरशेड मैनेजमेंट के, पहला ही है टू रिहैबिलिटेट द वाटरशेड थ्रू प्रॉपर लैंड यूज अडॉप्टिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग सॉइल इरोजन। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज यूज करनी है। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे बेंच टेरेसेस, कंट्रोल रिजेस वगैरह जो बनाते हैं हम, तो वो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिससे सॉइल इरोजन को डिक्रीज करता है और जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है जो सॉइल में वो इंक्रीज होती है, और उसके बाद ओवरऑल जो फार्मर्स जो उसके जो एडजेसेंट एरियाज में जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलेगी इन एग्रीकल्चर। तो क्या होता है अगर हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज यूज करेंगे तो सॉइल इरोजन कम होगा, मीन्स कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी, टॉप सॉइल जो है वो बह नहीं जाएगी, मॉइस्चर रिटेन होगा। तो नॉर्मली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है तो हम ग्राउंड वाटर को पंप करके या सरफेस वाटर जो बहता है पानी ऊपर उसको यूज़ करके हम अपना जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब पानी नीचे आएगा या ग्राउंड वाटर में जो वाटर लेवल जो है इंक्रीज़ होगी, तो उससे जो है वाटरशेड इंप्रूव हो सकता है। ये पहला जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज द वाटरशेड फॉर बेनिफिशियल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जितने भी बेनिफिशियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जैसे यहाँ पे तो डेवलपमेंट आए, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कोई है, जैसे यहाँ पे भी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, जैसे अपर रीचेस में डल के ऊपर जो डल का पानी ऊपर ले जाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, फिर से सप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो अपर स्ट्रीम्स होती है उनके जो छोटे छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे हरवन में है डैम बनाया जाता है, तो वहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है पूरी सिटी को, तो ये एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, तो ये भी एक वाटरशेड का पार्ट है, क्योंकि वहाँ से भी जो है अदर जो उसके बेनिफिट्स को यूज बेनिफिट्स को उठाया जा सकता है। फिर इरिगेशन, जैसे वाटर स्टोर रहेगा इसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर डैम्स बनाएंगे तो पावर जनरेशन भी हो जाएगी। तो ये कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, बट द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ शुड बी इन सस्टेनेबल मैनर। ऐसा नहीं है कि आप हैफजर्डली विदाउट कंसल्टिंग द अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे अपर स्ट्रीम्स में अगर आप डैम बनाएंगे तो अपर स्ट्रीम जो एरिया होंगे उसका जो वाटर लेवल है इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे जो लोग रहते हैं जहाँ पे वो वहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज है वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में, एंड देन विल इम्पैक्ट देयर लाइवलीहुड, तो वो नहीं होना चाहिए। देन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट से जब हमने डिस्कस किया कि वाटर जो स्पीड है डिक्रीज हो जाती है एकदम से, जो फ्लैश फ्लड्स नहीं आते हैं तो चांसेस ऑफ फ्लड्स डिक्रीज हो जाते हैं,
अगर बारिश हो भी जाएगी तो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा बिकॉज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जैसे रॉक फिल डैम्स बनाएंगे, कंट्रोल रिजेस बनाएंगे, ट्रीज हमने लगाए वहाँ पे, डिफरेंट जो वादी सिस्टम हमने बनाया पिछले बार क्लास में पढ़ा है, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से जो है पानी की जो स्पीड है एकदम से डिक्रीज हो जाती है, वो एकदम से नीचे नहीं आता है। तो ये हो गया जब पानी बारिश ज़्यादा हो जाएगी, जब ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, जब पानी का जो है जो प्रेसिपिटेशन जब है कम हो जाती है, तब हमारा जो ये पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है या रिजर्वायर्स में स्टोर होता है, आर्टिफिशियल टैंक्स वगैरह जो हम बनाते हैं वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ड्रॉट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, फ्लड्स को भी मैनेज कर सकते हैं, मीन्स उनको मिनिमाइज, उनका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, एक होती है अडेप्टेशन, दूसरा होता है मिटिगेशन। अडेप्टेशन मीन्स किसी भी हालात के साथ अपने आप को कंप्रोमाइज करना, मीन्स उसके जैसा जो है अपने आप को ढाल देना। दूसरा होता है मिटिगेट, मीन्स कि उन हालात का जो है इम्पैक्ट थोड़ा कम करना। यहाँ पे वाटरशेड की वजह से जो फ्लड्स का एंड ड्रॉट्स का इम्पैक्ट हम कम करते हैं, मिटिगेट करते हैं। तो मिटिगेट मीन्स कम करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बाइक पे जा रहे हैं और अचानक से बारिश हो गई, ठीक है, तो आइदर यू ड्राइव द बाइक, आप बाइक पे ऐसे ही चले जाओ, देन यू रीच योर डेस्टिनेशन, तो आप जो है अपने आप को उस बारिश के साथ अडेप्ट करते हैं, मीन्स कि आप डाल देते हैं कैसा भी आप करें। दूसरा है कि आप मिटिकेशन, उसका इम्पैक्ट मिटिकेट करो, उसका कम करो। जैसे आप छाता लेके आप रेन कोट पहन सकते हो, कोई भी अदर जिससे आपका जो है इम्पैक्ट ऑफ वाटर, जो रेन वाटर आप पे कम हो जाए, तो ये मिटिगेट, इसका इम्पैक्ट कम कर रहा। तो यहाँ पे फ्लड्स एंड ड्रॉट्स का जो है इम्पैक्ट्स मिटिगेट करता है वाटरशेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। उसके अलावा लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड इज वन ऑफ द नेचुरल हैजार्ड्स। तो अक्सर जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, इसमें रेनी सीजन में लैंडस्लाइड आती रहती है, बिकॉज जो है ये सड़क पूरी जो है बैरन फुट हिल्स पे बनी है, तो जब भी रेनफॉल होती है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है सॉयल में, उसका जो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे धस जाती है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती है, नुकसान होता है सड़क को भी, एंड देन अगर कोई गाड़ी वगैरह फंस जाएगी, तो इससे जो है एकदम से जब ऊपर से पानी नीचे नहीं आएगा तो लैंडस्लाइड्स को भी हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके अलावा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव टू डेवलप रूरल एरियाज इन रीजन्स विद क्लियर प्लान्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। जैसे किसी भी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, अब रूरल एरिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी होती है जो लोग का रोजगार होता है वो डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा जो है हमें डेवलपमेंट करने की एक्टिविटी है। तो अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट करें तो हम रेगुलरली इरिगेशन वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप फेल्योर्स कम हो सकते हैं, एंड देन द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एंड फार्मर्स लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी विल डेफिनेटली विल इम्प्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स है वाटरशेड मैनेजमेंट। हम वाटरशेड मैनेजमेंट क्यों करते हैं, तो उससे पहले हम वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, वाटरशेड क्या है, व्हाट आर द जिस स्टेप्स फॉर वाटरशेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एंड देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। ये इन ब्रीफ मैंने बताया, इसमें बहुत सारा और भी स्कोप है पढ़ने का, बट आप चूंकि ये आपका मॉडल कोर्स है इसमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और टॉपिक है बिग डैम्स, जो मल्टी वैली रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे महानदी जैसे हीराकुड डैम है या तहरी डैम है गढ़वाल एरिया में, ये बड़े बड़े डैम्स है। बेसिकली एक डैम क्या क्या होता है, किसी भी रिवर को के पानी को रोकना, उसको स्टोर करना, एंड देन यूज फॉर वेरियस पर्पजेस। एक पर्पस होता है फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, एंड देन अनदर पर्पस इज फॉर नेविगेशन, इरिगेशन, फिशिंग, बहुत सारे इसके जो है यूजेस होते हैं मल्टी, इसके जो जो डिपेंड करता है किस लोकेशन में आ जाएगा। अब रिसेंट ट्रेंड है जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हाइड्रो पावर या डैम्स को बनाने में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, इसको बनाने में बहुत खर्चा आता है,
एज कम्पेयर टू जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स है, जो कोल वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो कहने को तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हाइड्रो पावर बहुत ही ग्रीन एनर्जी है, इसमें एनवायरनमेंट उतना डिस्टर्ब नहीं होता, बट इसमें एनवायरनमेंट इक्वली डिस्टर्ब होता है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर। थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा ज़्यादा क्या निकलता है, पॉइजनस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पे एक पूरा पैच डिस्टर्ब होता है। जब भी हम कोई डैम बनाते हैं उस के क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अपर कैचमेंट एरिया में जब पानी का लेवल इंक्रीज होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से जो है ट्राइबल पीपल वो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। फिर लॉस ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फाना, तो उसमें क्या होता है, जब भी पानी किसी जगह सबमर्ज कंडीशन में जो ट्रीज हो जाएंगे वो मर जाता है, बिकॉज देयर रूट्स विल गेट लेस ऑक्सीजन, तो वो मर जाते हैं। तो उसकी वजह से तो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। देन चेंज इन फिशरीज एंड स्पॉनिंग ग्राउंड्स, जो पिछली क्लास में भी मैंने बताया आपको, लेडर होता है, एक फिश लेडर आप बनाते हैं बड़े बड़े डैम्स में, जो भी मछलियाँ अंडे देना चाहती है ऊपर जाके अपस्ट्रीम में, ताकि वहाँ से बच्चे जब निकलेंगे वो फिर नीचे आ जाएंगे, एक साइकिल होता है, तो वो डिस्टर्ब होता है। और उसके अलावा जब भी किसी जगह पानी ठहरता है देन इट कंट्रीब्यूट्स द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन निकलता है वेटलैंड्स से, जो हमारे पानी जहाँ पे पानी ठहरता है, जैसे पैडी फील्ड्स होता है या डैम्स वगैरह में, यहाँ पे जब पानी ठहरता है तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। तो और भी इसके अदर जो है प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये टूट सकता है, एंड देन पूरा जो है एरिया वाइप आउट हो सकता है, देन अदर डिजीज वगैरह भी जो है स्टार्ट हो सकती है। तो ये थे अपर स्ट्रीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डाउन स्ट्रीम्स में जो है एक तो पूरा जो इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ जो रिवर है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके अलावा जो ग्राउंड वाटर में, अगर कोस्टल एरियाज में है, ग्राउंड वाटर साल्ट वाटर इंट्रूजन होता है। देखो अगर एक बैलेंस होता है बिटवीन द साल्ट वाटर कोस्टल एरियाज में, ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सी से भी नीचे पानी जाता है टू द ग्राउंड वाटर, तो अगर लैंड में जो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गई तो वहाँ से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो फुलफिल हो जाएगी बाय द साल्ट वाटर, तो उससे क्या होता है ग्राउंड वाटर में साल्ट वाटर घुस जाता है, दैट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर, जो जिसके लिए भी हम वो पानी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं साल्ट वाटर इंट्रूजन। उसके अलावा जो भी लो लाइंग एग्रीकल्चर एरियाज होंगे वो भी दे आर डिवोर्ड ऑफ द इरिगेशन वाटर।